अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में 14 मकामात ऐसे हैं जहां पर सजदा करना वाजिब होता है। कुरान करीम में जहां जहां पर सजदा होता है तो उस आयत पर एक लकीर बनी हुई होती है और साइड में एक सजदा लिखा हुआ होता है, तो जब उस आयत को हम पढ़ते हैं तो उस जगह पर सजदा करना वाजिब है और वाजिब का छोड़ना गुनाह होता है। और ये सिर्फ पढ़ने वाले पर नहीं बल्कि जिसने सजदे की आयत को सुना उस पर भी सजदा करना वाजिब होता है, चाहे इरादे से सुनी हो वो आयत या फिर बगैर किसी इरादे के हमने उस आयत को सुना हो, हर हाल में सजदा करना वाजिब है। लेकिन एक ऐसी सूरत है वो हमारी माओ और बहनों के लिए कि जब महीने की नापाकी होती है या बच्चे की वलादत के वक्त जो नापाकी होती है इसको हैज़ो निफास कहते हैं। हैज़ो निफास की हालत में सजदे की आयत सुनी तो उस हालत में सजदा करना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर नापाकी की हालत है यानी नहाना वाजिब है, गुसल वाजिब है, तो ऐसी सूरत में सजदे की आयत सुनी तो उस पर सजदा करना वाजिब है नहाने के बाद, यानी पाक हो जाने के बाद जब वो गुसल कर ले तो फिर उसके ऊपर सजदे की आयत जो सुनी है उसका सजदा करना वाजिब है। तो सजदे की आयत जब हम सुन लेते हैं या हम सजदे की आयत को पढ़ लेते हैं तो उसका सजदा जो हम करते हैं उसका तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम नियत उसकी इस तरह से करेंगे कि दिल के अंदर हम ये ख्याल ले आएंगे कि जो हम सजदा कर रहे हैं ये सजदे की आयत जो हमने पढ़ी है उस तिलावत का सजदा हम कर रहे हैं। सिर्फ दिल के इरादे से ही हमारे सजदे की नियत हो जाएगी, यानी दिल के इरादे का नाम नियत है। उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नहीं उठाएंगे और नहीं हाथ बांधेंगे बल्कि अल्लाहु अकबर कहके सीधे सजदे में चले जाएंगे। और तीन मरतबा या पांच या सात मरतबा जिस तरीके से हम नमाज में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं इसी तरीके से सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहके खड़े हो जाएंगे। ये बेहतर तरीका है। अगर हम बैठे बैठे अल्लाहु अकबर कहके सजदे में चले जाएं और सुभान रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएं तो ये हालत भी सही है, इस तरीके से भी हम सजदा तिलावत कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि हम खड़े होकर के सजदा करें और फिर जब हम सजदे से फारिग हो जाए तो फिर खड़े हो जाएं। लेकिन हमारी माए बहने और हमारे मुस्लिम भाई इसमें बहुत ज्यादा गफलत ये भी करते हैं कि जब हम सजदे की आयत को पढ़ते हैं तो कुरान ही के ऊपर सजदा कर लेते हैं, तो ऐसा सजदा करने से हमारे जिम्मे से सजदा साकित नहीं होगा, हमारा ये सजदा अदा नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है बल्कि हमें उसी तरीके से सजदा करना है जिस तरीके से हम नमाज के अंदर सजदा करते हैं। और नमाज के अंदर जो हम एक रकात पढ़ते हैं और एक रकात में दो सजदे होते हैं तो इस तरीके से हम दो सजदे नहीं बल्कि तिलावत का एक ही सजदा होता है, एक सजदे पर एक ही सजदा करेंगे। एक रकात में दो सजदे करते हैं इस तरीके से हम एक सजदे पर दो सजदे नहीं बल्कि एक सजदे पर एक ही सजदा करेंगे। गोया कुरान करीम में 14 सजदे हैं तो हम 14 ही सजदे करेंगे, 14 के 28 सजदे नहीं करेंगे। बहुत सी ख्वातीन ऐसी होती हैं कि उनके जिम्मे बहुत से सजदे बाकी होते हैं जो उनके जिम्मे रह गए, या तो उनको मालूम नहीं था कि मेरे जिम्मे ये सजदे वाजिब होते जा रहे हैं और इल्म न होने की वजह से उन्होंने सजदा नहीं किया और कुरान करीम कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अब वो सजदा कर ले। और तकरीबन 5 साल से कोई अगर कुरान करीम पढ़ रहा है और जब से उसने एक भी सजदा नहीं किया और उसको इल्म न था कि सजदा करना वाजिब होता है, तो अब वो अंदाजा लगाए और सोचे कि मैंने 5 साल में कितने कुरान करीम पढ़े होंगे। तो सपोज कीजिए अगर उसने 10 कुरान करीम पढ़े तो 10 कुरान करीम के 140 सजदे बनते हैं,
तो अब उसे चाहिए कि वो 140 सजदे कर ले तो उसके जिम्मे से ये सजदे साबित हो जाएंगे। न करने की सूरत में अगर पूरी जिंदगी में उसने ये सजदे नहीं किए तो फिर गुनहगार होंगे।